हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस केंद्रा। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीवी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको बाहर भी कर दिया जा सकता है इस सेलेक्शन प्रोसेस से। अगर आप सोचिए कि दो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचते हैं और आपको जब डीवी से बाहर कर दिया जाएगा तो सोचिए कितना दुखद होगा आपके लिए। बिल्कुल यह दुखद होने वाला है फ्रेंड, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा पूरी डिटेल में। पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए होगा फ्रेंड, ठीक है। आप एंड तक बने रहिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब पहला है फ्रेंड्स, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ठीक है। आपको रिसेंट कोई सा भी फोटो लेके जाना है। अभी हाल फिलहाल में अगर आपने 2-3 महीने पहले खिंचवाया होगा तो वो चल जाएगा। और इनका नंबर नहीं बताया गया कि आपको कितने फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। जब आपका डीवी का एडमिट कार्ड आएगा फ्रेंड, तो उसमें क्लियरली लिखा रहेगा कि आपको कितने फोटोग्राफ्स लेके जाने होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसा नहीं कि आप कोई पुराना फोटोग्राफ लेके चले जाइएगा। आप नया रिसेंट अगर 2-3 महीने का पहले का है तो वो चल सकता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपको जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में बनवाना है और कैसे उसको बनवाना होगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए अगला है फ्रेंड, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। अब देखिए, इसमें इतने सारे आईडी हैं, इनमें से कोई सा भी आप लेके जा सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। उस पर आपका सिर्फ फोटोग्राफ होना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है, जिस पर फोटो आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं आप ऐसा कोई आईडी ले जाइए जिस पे आपका फोटोग्राफ हो ही ना, तो वो इनवैलिड होगा फ्रेंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट अगर होगा तो भी ले जा सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ तक कि आप गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज के आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई सा भी इसमें से हो आप लेके ज़रूर जाइएगा। और मेरी सलाह माने, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस समय पैन कार्ड जरूरी होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब आगे है मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आप सर्टिफिकेट वहाँ ले जाइएगा, आप 10th का ले जा रहे हैं, 10th का ही वहाँ मस्ट होगा। सबसे पहले तो आपको 10th का ही वहाँ पे चेक किया जाएगा। तो फ्रेंड, एक पॉइंट नोट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि उस सर्टिफिकेट पे आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड? डेट ऑफ बर्थ उस सर्टिफिकेट पे आपको लिखा होना चाहिए। जैसे, और एक और बात सुन लीजिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों दो तरह के होते हैं। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट को ही आप मार्कशीट समझ लें और मार्कशीट को ही आप सर्टिफिकेट समझ लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास एक अलग से सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जो आपके पास आउट होने के बाद करीब 1 साल के बाद वो स्कूल में आता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी विलम्ब कर देते हैं उसको लाने में। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो अभी तक उस सर्टिफिकेट को अपने स्कूल से लेके नहीं आए होंगे। तो फ्रेंड, नोट कीजिएगा कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको मार्कशीट दूसरा है और सर्टिफिकेट दूसरा होता है, ठीक है। आप अगर नहीं लाए हैं तो आप स्कूल में जाइए और वहाँ से अपना जो सर्टिफिकेट है उसको कलेक्ट कर लीजिए। और फ्रेंड, जब भी आप कोई सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जाइएगा तो उस पर डेट ऑफ बर्थ आपको लिखा होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है तो वो इनवैलिड मानते हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। और ऐसा है कि आपका जब डीवी का एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर लिखा भी होगा फ्रेंड ये बात, ठीक है। तो उस समय तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरी राय है कि अगर नहीं लिखा है तो आप अपने बोर्ड चले जाइए और वहाँ से आप उसका जो प्रक्रिया है उसको करवा लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ऐसा नहीं कि आप स्कूल जाएँ और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उनसे आप उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखवा के मोहर लगवा लें स्कूल के, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। क्लियरली लिखा रहेगा आपके एडमिट कार्ड पे, ऐसा नहीं चलने वाला है फ्रेंड, ठीक है, समझ गए। अब चलिए आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उस समय आपने हायर एजुकेशन अपना फिलअप किया होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट लेवल के हैं, यहाँ तक कि वो मास्टर की डिग्री भी लिए हुए हैं और MTS का एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया है, और जब डीवी के लिए जाएंगे तो उनको जो हायर एजुकेशन का उनका सर्टिफिकेट है वो भी जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। और नोट कीजिएगा, इस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि आप जेरोक्स लेके जाइए। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर ओरिजिनल लेके जाना है कि जेरोक्स लेके जाना है।
तो भाई आप जेरोक्स लीजिएगा और कम से कम 3 कॉपी आप जेरोक्स करा के भी ले जाइएगा, ठीक है। अगर वहाँ 2 लिखा रहेगा या 1 लिखा रहेगा तो आप उससे 1 ज़्यादा ही करवा के ले जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अभी हमने कर लिया इसको। अब है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट इन रिक्वायर फॉर्मेट। अब देखिए बहुत सारे जो डिसेबल फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये, दिव्यांग लोग हैं उनके लिए है, तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मेट आप में दिया होगा। फॉर्मेट आप नोटिफिकेशन एक बार खोलिए, वहाँ आपको ये फॉर्मेट मिलेगा फ्रेंड, ठीक है। उसी फॉर्मेट को आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और उसमें जितने भी जो रिक्वायर्ड फॉर्मे होंगे, जो फिल करने होंगे, उसको आप भर दीजिएगा और आप वहाँ जहाँ से भी वहाँ लिखा होगा जिस अथॉरिटी का भी साइन करवाना आप करवा के ले जाइएगा फ्रेंड, ठीक है। आप फॉर्मेट पे ही ले जाइएगा, समझ गए फ्रेंड। चलिए आगे है फॉर एक्स सर्विसमैन यानी ESM, इनके लिए भी जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है नोटिफिकेशन में, मैं बता देता हूँ आपको एनेक्सर 4 और एनेक्सर 5 में ये मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप एनेक्सर 4 को और एनेक्सर 5 को जो भी आपको सूट करता है आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए और उसमें फिल करके आप सिग्नेचर करवा के अथॉरिटी से ले जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है फ्रेंड्स अब रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स इफ सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, ये उनके लिए है जो एज रिलैक्सेशन जिनको चाहिए। और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो OBC के हैं, वो कहेंगे कि सर मेरा तो एज रिलैक्सेशन क्रॉस हो गया है, मैंने एज रिलैक्सेशन ले रखा है, मेरा एज क्रॉस कर गया, तो वो कहाँ से मैं सर्टिफिकेट बनवाऊंगा। तो फ्रेंड जो आप OBC का या SC ST का सर्टिफिकेट आप जमा कराइएगा, OBC ध्यान दीजिएगा OBC नॉन क्रीमिलेयर, ठीक है फ्रेंड्स, और SC ST का वो खुद ही एक प्रूफ है आपके एज रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिए है जो कहीं अभी कार्यरत हैं PSU में, पब्लिक सर्विस यूनिट में अगर वो कार्यरत हैं तो उनके लिए है ये, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपका, या कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी में आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में NOC कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप उसको लेके जाइएगा और बनवा लीजिएगा, ये इजीली बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा, आप पहले ही जो वहाँ के अथॉरिटी हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए पहले, उसके बाद आप जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उनको उनसे बनवा लीजिएगा, वो बना के आपको दे देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए NOC बनवा के आपको ले जाने होंगे फ्रेंड। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनको कैसे बनवाना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है ए कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन ऑन मैरिज और रीमैरिज और डिवोर्स। अब देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं गर्ल्स खास करके, उनके लिए ये बताया गया है कि जैसे उनका दूसरा शादी हो जाता है, मैट्रिक में उनका नाम कुछ और है और जब शादी हो गया तो उनका ID पे कुछ और नाम हो जाता है, ठीक है, नाम बदल जाते हैं, उनके हस्बैंड का सरनेम लग जाता है, तो इस तरह से उनके नाम चेंज हो जाते हैं। या बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका डिवोर्स हो चुका होगा, अब उनकी दूसरी शादी हो गई होगी, तो उस कंडीशन में भी उनका नाम चेंज हो जाता है, या रीमैरिज होता है उस कंडीशन में भी उनका नाम चेंज हो जाता है फ्रेंड। तो उसके लिए भी कहा गया है कि आपको जैसे आपका नेम, जैसे यहाँ पर मैट्रिक में कुछ और था और शादी के बाद आपका नाम हस्बैंड का आपने सरनेम लगा लिया, तो उस कंडीशन में फ्रेंड आपको क्या करना होगा कि आपको अपने हस्बैंड का ID कार्ड ले जाना होगा, पहली बात तो ये हुई, और दूसरी आपकी जो ID कार्ड बनी हुई है वो ले जाना है। अब वहाँ ना स्पाउस का जो नाम है वो वहाँ से मैच कराएंगे, जैसे लिखा रहता है ना पिता और पति का नाम, तो पिता और पति का नाम में फ्रेंड ये अगर पति का नाम में अगर यहाँ इनका जो ID ले जाएगा उनका नाम लिखा रहेगा तब वो मान जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा कंडीशन है कि आपका रीमैरिज हुआ है या डिवोर्स हुआ है, तो अगर डिवोर्स हो गया है फ्रेंड तो सबसे पहले तो आपको डिवोर्स का सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ठीक है। दूसरी बात अगर रीमैरिज आपका हो गया है फिर से, तो आपको वो भी बताना है कि रीमैरिज हुआ है मेरा, और जो नए आपके हस्बैंड होंगे उनका सर्टिफिकेट, मतलब आपको ID ले जाना है, और साथ ही साथ फ्रेंड आपको जब डिवोर्स हुआ है तो उसका एक लीगली एक जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको लेके जाना होगा। जैसे हम लोग वोट लेते हैं ना कि किसी अधिकारी के सामने शपथ लेते हैं मैरिज के समय भी, रीमैरिज के समय भी, या डिवोर्स के समय भी, तो फ्रेंड ये सारे लेके जाने होंगे। लेकिन अगर दूसरा केस है, अगर आपके नाम चेंज होने का ये कारण नहीं है, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, एफिडेविट भी वैलिड रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, मैं आपके लिए इसी तरह की जानकारी मैं लेके आते रहता हूँ, और ये चैनल का उद्देश्य ही है कि जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी मदद करना। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ से आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं इस चैनल के माध्यम से उनकी तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है।
चलिए अगला है कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी। यही इंपॉर्टेंट है और सब लोग शायद इसी का इंतजार कर रहे होंगे फ्रेंड, मुझे मालूम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं ठीक है या एससी एसटी के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, लेकिन आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं जाने होंगे फ्रेंड। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपका सर्टिफिकेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है और आपका सर्टिफिकेट 3 साल पुराना है तो आप उसको नया बनवा लीजिए। अगर 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट है तो वो एसएससी नहीं मानता है, वो इनवैलिड हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स। तो बात मानिए, यकीन मानिए, अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो ये हार्डली 15 दिन तो मैक्सिमम होता है ये बन जाता है। आप सबसे पहले अपने ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ से बन के आएगा, उसके बाद आप अनुमंडल में चले जाइएगा, उसको लेके 2 दिन ब्लॉक में लगेगा, 2 दिन अनुमंडल में लगेगा, और अनुमंडल में बनने के बाद आप उसी फॉर्म को लेके उसी सर्टिफिकेट को लेके आप चले जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा हार्डली 4 से 5 दिन में साइन करके आपको दे दिया जाता है फ्रेंड ठीक है। तो ये 10 दिन की प्रक्रिया होती है, ये पूरी हो जाएगी फ्रेंड ठीक है। मैं दिखाता हूँ कि आपको फॉर्मेट पे कैसे बनवाना है और कहाँ कहाँ आपको सिग्नेचर करवा के ले जाने होंगे फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, मैं दिखाऊंगा इसके बाद। अब देखिए एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डीवी। अब देखिए जब डीवी की एडमिट कार्ड आएगी तो अगर फर्दर कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो वहाँ मेंशन किया रहेगा ठीक है कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो आप डीवी से पहले इतना प्रिपेयर करके रखिए और इससे ज़्यादा आपका लगने वाला भी नहीं है फ्रेंड, लेकिन आएगा भी तो कुछ खास नहीं आएगा, वहाँ कुछ भी नहीं, उसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई 2-4 पॉइंट लिखी रहेंगी ठीक है। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको फॉर्मेट कि कैसा फॉर्मेट होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड मैं ये दिखा देता हूँ कि अभी जैसे डीवी में लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का ये डीवी का एडमिट कार्ड है फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ कि आपको क्या क्या लेके जाने होंगे। वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि फर्दर आपको नोटिस किया जाएगा कि जब आपको डीवी का एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पर वहीं बातें लिखी गई है ऊपर में कि आपको फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं और नंबर ऑफ़ फोटोग्राफ्स लिखा हुआ है, आपको सर्टिफिकेट सारे लेके जाने हैं, उसके बाद आईडी लेके जाना है, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं ओबीसी से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट कि मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उस पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है तो वो इनवैलिड कर देंगे ठीक है। और प्रिंसिपल और हेडमास्टर का सिग्नेचर नहीं चलने वाला, आप जूम करके थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा फ्रेंड ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप एक बार इसको कोशिश कीजिए खुद से पढ़ने का, वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से एक बार पढ़ लीजिए ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अब आगे। अब देखिए आगे है यही सर्टिफिकेट है जो मैं बता रहा था कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट पर बनवाना है। जब आप नोटिफिकेशन ओपन कीजिएगा तो आपको ये फॉर्मेट नीचे जाइएगा तो ये मिल जाएगा, ये ओबीसी का फॉर्मेट है, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ देखिए यहाँ फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई अदर बैकवर्ड क्लासेज अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है फ्रेंड, ये फॉर्मेट है। अब देखिए फॉर्मेट पे क्या होगा, इसको लेके आप जाइए, अगर आपका पुराना बना हुआ है अभी रिसेंट में नहीं बना हुआ है तो आप जाइए इस फॉर्मेट को भी ले जाइए और आप ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ उनसे कहिएगा कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे एक बनवाना है मुझे कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो अपना फॉर्मेट बना के देंगे फ्रेंड। और उसके बाद वो आप इसको भी दीजिएगा और कहिएगा कि इस पे भी जो यहाँ पे अथॉरिटी है उनसे सिग्नेचर और जो भी करवा दीजिएगा और जो भी मेरा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर होता है वो नंबर यहाँ मेंशन वो करवा देते हैं। जैसे ऊपर देखिएगा मैंने मिटा दिया है, ऊपर लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर सबसे ऊपर देखिएगा बाएं साइड पे, फिर इस साइड पे वो भी जो भी डिटेल रहता है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, डेट लिख देंगे, आपका नाम वगैरह भर देंगे और सब कुछ यहाँ पे साइन हो जाता है। और देखिए फ्रेंड यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 3 जगह से साइन करवाया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पे एक सिग्नेचर है, यहाँ पे एक मोहर है, एक यहाँ पे सिग्नेचर मोहर है और एक यहाँ पे सिग्नेचर मोहर है। देखिए ये होता है ब्लॉक का, ये होता है आपका अनुमंडल का और एक सिग्नेचर है डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट का ठीक है। तो तीनों जगह से आपको ये करवा के ले जाना होंगे फ्रेंड, अगर कम से कम आप 2 जगह से भी करवा लेते हैं अनुमंडल से और ब्लॉक से तो भी आपका काम बन सकता है फ्रेंड, लेकिन बेटर होगा आप 3 जगह से करवा लीजिएगा। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको उचित जानकारी और प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। तो मेरे तरफ से एक छोटा सा एक कोशिश था, अगर पसंद आई होगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनका भी जो हेल्प है हो सके फ्रेंड। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।